गुड आफ्टरनून एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे माई सेल्फ सागरिका शर्मा uh, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम जे ए आर एफ हॉर्टिकल्चर का एक प्रीवियस एग्जाम एनालाइज करेंगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा एक तो कि एग्ज़ाम फर्दर आपका किस प्रकार से किस लेवल का और किस प्रकार के क्वेश्चन कौन सा पोर्शन जो है एग्ज़ाम में आपको आ सकता है दूसरा आपको अभी ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रेपरेशन करनी है कौन से हॉर्टिकल्चर जैसे आपको पता है कि एक बॉर्ड सब्जेक्ट है उसके अंदर काफी सारी ब्रांचेज मेनली हम सिक्स टू सेवन ब्रांचेज इंक्लूड करते हैं तो किस ब्रांच से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं किसके ऊपर आपने मेजरली फोकस करना है वो आपको सारा आइडिया आज हो जाएगा दूसरा आपको एग्जाम का लेवल और क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर किसी ने भी जे एग्रीकल्चर का किसी भी स्ट्रीम का लाइक एग्रोनॉमी साइंस या फिर हॉर्टिकल्चर का अगर आपने बैच ज्वाइन करना है प्रेपरेशन के लिए तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो उसका जो बैच है वो स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी से स्टार्ट होने वाला है सीट्स लिमिटेड हैं एज यूजल आपको पता है इसके बारे में तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन जो है उसकी स्टार्ट हो चुकी है तो अगर किसी ने भी टेलीग्राम को एंड यूट्यूब को फॉलो नहीं किया है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो सबसे पहले रेडी रहना सभी आंसर साथ साथ करने हैं आप सभी ने और साथ में ही फिर उसको हम जो है वो एनालाइज करते चलेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ, रोज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप है क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी हम इसको बोलते हैं वहां से लिया गया है और ये क्वेश्चन भी जो है अगर आपने पुराने सेशंस देखी है पुराने प्रीवियस क्वेश्चन सेशंस देखे हैं तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी दो दिन बाद डिस्कस किया हुआ है तो वही क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है तो अगर हम बात करें प्रूनिंग ऑफ रोज अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन इज डन ड्यूरिंग कब की जाती है प्रोनिंग प्रोनिंग इन रोजिस इन द नॉर्थ इंडियन कंडीशन तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर जो है वो अक्टूबर नवंबर आएगा ये आपको जो है वो बहुत इजी एंड सिंपल क्वेश्चन था जो कि आपका बेसिक रोज की भी आ, अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वहां से क्वेश्चन लिया गया है तो रोज के अंदर एक इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस पूनिंग जिसको हम बोलते हैं साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोज का प्लांटिंग टाइम क्या है प्रोपिगेशन टाइमिंग क्या है सारी बातें आपको साथ में ही पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में अगर पूनिंग से क्वेश्चन आ सकता है तो क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट कहाँ सिचुएटेड है नेशनल बोटेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये आपका जो है वो पुणे में सिचुएटेड है ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चंस का भी किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में आपको एग्जाम में पक्का आने वाला है तो उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे प्रेजेंट है कब वो स्टेब्लिश हुआ था रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर स्पेशली तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप जे आर एफ हॉटिकल्चर के लिए जा रहे हो तो अदरवाइज आपको एग्रोनॉमी के लिए जा रहे हो तो आपको एग्रोनॉमी के रिलेटेड जितने भी से सभी के बारे में पता होना चाहिए उसके अलावा नो किरण इट्स पुणे नॉट इन लखनऊ नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट स्टेज फॉर बनाना हार्वेस्ट इज वेन रिजिज ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन चेंजेस फ्रॉम तो ये क्वेश्चन आपको बनाना के हार्वेस्टिंग इंडिशीज से आया हुआ है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी फ्रूट क्रॉप के अंदर जो कि मेजरली डिटरमाइनिंग हार्वेस्टिंग इंडिज होते हैं वहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं और बनाना का मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग इंडिस क्या है वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है तो अगर हम बात करें इसका क्या आ सकता है फर्स्ट ऑप्शन है एंगुलर टू राउंड सेकेंड है राउंड टू एंगुलर थर्ड है वर्टिकल टू एंगुलर एंड फोर्थ एंगुलर टू वर्टिकल तो इसमें आपने बिल्कुल भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है बनाना सभी ने खाया हुआ है ग्रीन बनाना भी सभी ने देखा है और येलो बनाना भी सभी ने देखा है बस आपने वो कंपैरिज़न करना है कि बनाना का जो फ्रूट होता है उसके ऊपर जो लाइंस का पैटर्न बना होता है मतलब कि जो रिजिस बनी होती है आपने ये ध्यान देना है कि ग्रीन वाले में वो मेजर डोमिनेटिंग होती है या फिर येलो वाले में जो कि राइब्ड बनाना है उतना होता है उसके अंदर होती है तो अगर आपको पता होगा आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जब वो अनराइप स्टेज में होता है मतलब कि अभी तक वो राइपन नहीं हुआ है तब वो एंगुलर होती हैं तभी हम बनाना के अंदर इसका हार्वेस्टिंग इंडिशीज भी पढ़ते हैं कि डिसअपियरेंस ऑफ एंगुलरिटी जो है इसका हार्वेस्टिंग इंडिज है तो इसी प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन वन आएगा एंगुलर टू राउंड आएगा मतलब कि उसमें जो रिजिस होती है वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है जब बनाना जो है वो राइपन हो जाता है तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर आएगा नीलम वेरी गुड इवनिंग उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अर्का मनोरमा इज द हाइब्रिड ऑफ तो अर्का मनोरमा जो है वो किसका हाइब्रिड है फॉलोइंग में से तो आंसर करना है आप सभी ने इसका क्या आंसर आएगा इसका अर्का मनोरमा किसका हाइब्रिड है ग्लैडियोलस uh, का है कार्नेशन का है ट्यूब रोज का है या फिर क्राइजेंथिम का है तो क्या आंसर आएगा इसका uh, किसी ने नहीं आंसर किया अभी तक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ये भी ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन भी तो इसके अंदर भी आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा एकदम से टर्म देखते सारे आपके माइंड में क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए कि इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है तो अगर हम इसकी बात करें स्कूपिंग ऑपरेशन इज एडॉप्टेड इन विच फ्रूट क्रॉप इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप तो इसका आंसर क्या आएगा कॉलीफ्लावर आएगा सीड को इनिशिएट करने के लिए, लिए कॉलीफ्लावर के अंदर स्कूपिंग ऑपरेशन को या स्टूपिंग स्कूपिंग कल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे, भी स्पेशल है जो के अंदर होती है तो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किरण वेरी गुड सेकेंड क्वेश्चन लखनऊ आंसर नो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो पुणे आएगा ओके okay, तो इस uh, No, स्कूपिंग कैसे हो सकती है इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल कल्चर प्रैक्टिस है जो कि मेनली सीड स्टाफ को इनिशियट करने के लिए की जाती है या फिर अगर हम अगर अ, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम कॉलीफ्लावर से सीड की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्कूपिंग जो है की इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस रहती है वहां पर हाँ, अर्का मनोरमा वाला रह गया वही मैं इस इसके ऊपर ही आ रही थी पहले मैंने कैबेज वाला देख ली तो इसी प्रकार से, तो इस से क्लाइंबिंग प्लांट है, ट्री है श्रब है डेसीडियस ट्री है तो आपने नोटिस किया होगा एक वाइन बहुत कॉमन होती बड़े बड़े ऑरेंज कलर के फ्लावर्स वाली तो वही उसका ही नेम है ये क्या है टेकोमा फ्लोरा है जिसको हम जो है वो क्लाइंबिंग या फिर आपका क्लाइंबर्स बोलती है मेनली वाइन है वो तो इसी प्रकार से इसका जो ना ये ट्री है ना श्रब है ना ही एवरग्रीन है तो इसका क्या आंसर आएगा क्लाइंबिंग ट्री आएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी ऑफ कैबेज विच कैन सेट सीड इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ये क्या आंसर आएगा इसका पूसा संबंध है गोल्डन एकर है पूसा अगेती है क्या इसका आंसर है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो आएगा पूसा अगेती वरायटी जो कि फर्स्ट वरायटी है नॉर्थ इंडिया में सीड्स को प्रोड्यूस करती है तो इसका आंसर ये आएगा इसके अलावा अगर हम बात करें पूसा संबंध वरायटी की तो ये आपकी कैबेज के अंदर सिंथेटिक वरायटी है जिसको मेनली एच के लिए ग्रो किया जाता है एच के अंदर इसको ग्रो किया जाता है गोल्डन एकर एंड पूसा ड्रम हेड भी इंपॉर्टेंट कैबेज की वरायटीज है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पूसा ड्रम हेड या फिर गोल्डन एकर जो है वो किस क्रॉप की वरायटीज है तो ये आपको पता होना चाहिए इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेजिटेबल इज़ ऑलरेडी दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाती है जो कि मेजरली कैनिंग ऑपरेशन का एक पार्ट होता है ये क्यों करते हैं बस ये क्वेश्चन पूछा गया है इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया फिक्सेशन ऑफ कलर इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड रिमूवल ऑफ टिश्यू गैस तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा कि इंजाइम्स को डीएक्टिवेट करने के लिए या फिर इनएक्टिव करने के लिए हम उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स से है द मीन ऑफ डिस्टर्ब आपको फॉर्मूला अप्लाई करके करना पड़ेगा इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है थर्टी जो है इसका आंसर आएगा

पूा पिताम्बर की तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पिताम्बर वर्ड पितांबर जो है वो येलो कलर के लिए वर्ड है मतलब कि ये येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है तो इसी प्रकार से जो इसका हाइब्रिड वैरायटी है या इसका हाइब्रिड क्रॉस है वो वही आएगा जो कि कलर वाली वैरायटी जो कि कलर को रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे हमने इसको याद किया हुआ है तो उस प्रकार से आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा अमरापाली क्रॉस लाल सिंधुरी जो है इसका राइट आंसर आएगा तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से देखना था बिल्कुल ही इजी था इसको यहां से ऑप्शन में से एनालाइज़ आइडेंटिफाई करना कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या आएगा उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की फिरमोन ट्रैप्स आर कॉमनलीश इंसेक् तो मेनली फिर ट्रैप्स को हम क्यों यूज करते हैं किस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए तो अगर आपको आ, क्या इस कांसर? आएगा इसका आंसर एफिल्ड्स आएगा माइल्स आएगा फ्रूट फ्लाई आएगा या फिर रेड पंपकिन बीटल आएगा तो उस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो सभी ने बताना है क्या आएगा इसका आंसर और उतना टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फॉलोइ क्राइजेंथीम वेराइटीज इज नॉट सुटेबल फॉर गार्लैंड कौन सीम की वेराइटी है जो की कार्लैंड uh, के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गार्लैंड का मतलब क्या होता है तो गार्लैंड का मतलब है कि जो फूलों का हार बनाया जाता है या फूलों की माला बनाई जाती है उसको हम गार्लेंड बोलते हैं तो कौन सी वेरायटी है जो की यहाँ पे हम इसको यूज नहीं करते हैं गार्लैंड बनाने के लिए तो अगर हम बात करें इन वेराइटीज की एफिड मेजोरिटी जो है वो एफिड आंसर है इनका तो क्या बता सकते होगी कि एफिड इसका आंसर क्यों आएगा मतलब कि अगर हम बात करें आ, कुकर बिट्स के अंदर मेजर पेट्स पेस्ट की कि कौन कौन से हैं तो एफिड का नहीं आता है उसमें नहीं आता तो इसका आंसर अभी आप सभी ने करना है ये क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि राइट आंसर क्या आएगा तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्राइजेंथम की वरायटीज़ की बागी वरायटी शांति वरायटी बसंती वरायटी एंड बिरबल सहानी वरायटी तो ये तीनों ही वरायटीज बसंती शांति एंड सॉरी बागी तीनों ही जो है वो गालन के लिए सुटेबल वरायटीज़ है मतलब कि इनको गाल्ल प्रपरेशन के लिए गालन पर्पज़ के लिए ग्रो यूज़ किया जाता है और ग्रो भी इसी पर्पज़ के लिए किया जाता है बट अगर हम बात करें बिरबल सहानी वरायटी की तो बिरबल सहानी वरायटी जो है वो इसमें से यूज नहीं होती है गालन पर्पज के लिए क्योंकि इसकी जो फ्लार का साइज है वो छोटा होता है काफी छोटा होता है और इसको मेनली हम ये मेनली स्प्रे टाइप ऑफ प्राइजेंथीम होता है तो इसी वजह से इसको हम गालन पर्प के लिए यूज नहीं करते हैं तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आपका बिरबल सहन नहीं आएगा जो कि गालन वाली नहीं है बट साथ में आपने तीनों भी याद कर लेनी है जो कि मेनली गन बनाने के लिए यूज की जाती है इनका फ्लार का साइज जो है वो ज्यादा छोटा नहीं होता है और दूसरा क्या है ये स्पेसिफिकली स्प्रे टाइप भी नहीं होते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें फेरोमोन्स तो वाले क्वेश्चन की तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा फ्रूट फ्लाई आएगा तो आपको पता है कि कुकरबिट्स के अंदर मेनली अगर हम बात करें मेलन्स की और गर्ड्स की तो इनके अंदर फ्रूट फ्लाई ही मेजर पेस्ट होता है तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आना था वो फ्रूट फ्लाई ही आएगा इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉलीफ्लावर स्पॉन्सिबल फॉर एसिमिलेटिंग बीटा कैरोटीन तो ये तो आपको अब क्रैम ही करना पड़ेगा कि इसका राइट right आंसर ये आपका मेनली कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम इस प्रकार से आ सकते हैं कि आपको टिपिकल ब्रीडिंग बेसिस क्वेश्चन हम बोलते हैं तो ये आपको अगर याद होते हैं तो वेल एंड गुड है अदरवाइज आपको ये छोड़ना पड़ेगा या फिर रिटर्न आना पड़ेगा तो वैसे तो अगर हम बात करें टोटल आपके एग्जाम में वन सिक्सटी क्वेश्चन आते तो हंड्रेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमने आ, अगर हमने प्रेपरेशन स्पेसिफिकली अच्छे से की हुई है तो हंड्रेड को तो हम बहुत कर हैं उसके बाद जो टू बचते हैं जो कि हम कर सकते होते हैं बट हमारे माइंड में कंफ्यूजन होती है कि इसका दो ऑप्शंस में से हम कंफ्यूज होते हैं तो वो क्वेश्चन आपके तभी स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे जब आप प्रेपरेशन को कंटिन्यूसली एंड रेपिटेशन के साथ करोगे तो इसके अलावा जो आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ के ही आने पड़ेंगे तो उन छोड़ने वाले क्वेश्चन में से इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी हो सकती है तो यहां पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो वो क्या आएगा तो कॉलीफ्लावर का जो जीन रिस्पॉन्सिबल है बीटा कैरोटीन के, के लिए वो कौन सा है ओ जीन है तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें मार्मलेड इज अ फ्रॉम पल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट किस फ्रूट की पल्प से मार्मलेड को प्रिपेयर किया जाता है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्मलेड होता क्या है मार्मलेड भी एक जेली लाइक -like, या फिर हम बोल सकते हैं कि जेम लाइक -like, एक इनग्रीडिय प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है जो कि मेनली सिट्रस फ्रूट से और सिट्रस में भी अगर हम स्पेसिफाई करें तो स्वीट ऑरेंज से बनाया जाता है अब मार्मलेड का जेली और जैम से डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस ये है कि इसके अंदर पलक के साथ पील भी फ्रूट का ऐड होता है तो इसी वजह से इस क्वेश्चन इसको मेनली सिट्रस फ्रूट से ही बनाया जाता है तो इसी वजह से क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो सिट्रस आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज कॉमली नोन एज स्वर्ड ली स्वर्ड लिली फॉलोइंगे तो बहुत कॉमन है और अगेन डिस्कस्ड क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन है ये तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा ग्लैडियोलस जिसको हम स्वर्ड लिली बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज रिगार्डेड एज फॉलिज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉलिज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किस सिटी को बोला जाता है तो इसका जो राइट right आंसर है वो क्या है फ्लोरिडा फ्लोरिडा को बोला जाता है फॉलीज कैपिटल ऑफ द बर्ड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिय रोल इन क्लोरोफिल क्लोरोफिल की सिंसिस में किस न्यूट्रिएंट का रोल है तो इसमें जो रोल आएगा आपको पता है कि क्लोरोफिल के अंदर मेनली दो मेजर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो पड़ती है वो कौन कौन से मैग्नीशियम और आयरन है तो इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा आयरन आएगा उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की द बेस्ट टाइम फॉर टेकिंग टर्मिनल कटिंग इन क्राइजेंथेम इज क्राइजेंथेम में टर्मिनल कटिंग को टर्मिनल कटिंग के लिए टाइमिंग कौन सी है तो वो टाइम पूछा गया तो आपको अब ध्यान होना चाहिए कि प्रोपिगेशन मेथड प्लस उस, प्र, उस पर्टिकुलर प्रोपेगेशन मेथड को परफॉर्म करने की जो टाइमिंग है वो आप सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि वहां से एग्जाम में आपके मेजरली क्वेश्चन आने वाली है तो यहाँ पे नाइट्रोजन नो नाइट्रोजन ही आएगा उसको आंसर जो था वो आयरन आएगा इसके अलावा इस क्वेश्चन की बात करें इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा मिड जून टू एंड ऑफ जून जो है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है इसके अलावा नेक्स्ट क्या है इन सॉरक्रॉट फर्मेंटेशन इज स्टार्टेड बाय तो सॉरक्रॉट सबसे पहले हमारे पता होना चाहिए कि होता क्या है ये भी हमने डिस्कस किया किया हुआ है कि सॉरक्रॉट होता क्या है ये कैबेज का एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है जो कि एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है तो यहां पे तो वैसे आइडिया दे ही दिया गया है कि फर्मेंटेशन इसकी किस फॉलोइंग में से किस बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई है साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो फर्मेंटेशन होती है वो आपकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि के अंदर किस टाइप की फर्मेंटेशन होती है अब क्वेश्चन आएगा आयरन uh, कैसे आएगा आयरन इसलिए आएगा क्योंकि आपका जो क्लोरोफिल का रिंग होता है या फिर मैं मैग्नीशियम का ओके आई थिंक नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम आयरन कैटेस्ट का ओके okay, ठीक है तो इसको अभी हम जो है वो होल्ड पे लगा देते हैं इसको आफ्टर एनालिसिस जो है वो क्लैरिफाई करेंगे कि नाइट्रोजन आएगा या फिर आयरन आएगा वैसे अगर हम बात करें क्लोरोफिल के लिए तो तीन मेजर होते हैं मैग्नीशियम है आयरन है और नाइट्रोजन है बट यहां पे देख लेंगे यस yes, ओके okay, कोई बात नहीं इसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया आएगा वो कौन सा आएगा इसका जो राइट right आंसर आएगा वो आएगा ल्यूकोनोस्टोमेस्ट ये वाला इसका जो है वो राइट right आंसर है लैक्टोबैसिलस ध्यान रखना यहाँ पे इसमें फर्मेंटेशन तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है बट जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नहीं आएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो इसमें होती है तो बैक्टीरिया का जो नाम है वो क्या है ल्यूकोनोकोस्टक वाला ये वाला ध्यान रखना इसको तो थोड़ा सा आपको ये इस प्रकार से जो है वो देखना पड़ेगा फॉलोइंगे तो, तो बताने की जरूरत नहीं है आप सभी को पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या है तो इसका आंसर आप सभी ने करना है तो इसका आंसर क्या आएगा कि फॉलोइंग में से किस क्रॉप की हाइएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट है इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की विच बीन इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग विंटर सीजन फजेस तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा अगर हम आपने बीन वगैरह पड़ी हुई है पी और बीन्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि मेनली एक बीन ही ऐसी है जो की ऑटमन सीजन में प्लांट की जाती है फॉर अंटर क्रॉप तो वहां पे कुछ कम समझ में आ रहा आपको एग्जाम तो आई थिंक इंग्लिश मीडियम में ही आएगा तो आपको फिर अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि तभी आप एग्जाम को परफॉर्म कर पाओगे ना तो आपको जो है वो वैसे तो मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ बट जो स्पेसिफिक टर्म्स है वो तो फिर आपकी वही रहेंगी तो उसको तो फिर कैसे चेंज कर सकते हैं हिंदी में तो इसलिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एग्जाम में भी आपको सेम ही चीज आने वाली है आ, राइस किरण आपने राइस बोला इसके अलावा अगर हम बात करें क्या आंसर आएगा इसका सबसे सभी ने इसका आंसर करना है ट्वेंटी क्वेश्चन का इसके अलावा अगर हम ट्वेंटी फर्स्ट की बात करें तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा वीसीएफ सी एबा जिसको हम ब्रॉड बीन भी बोलते हैं और इसी को जो है वो ऑटोमन क्रॉप के लिए जो है वो प्लांट किया जाता है या फिर ऑटोमन सीजन में एज अ विंटर क्रॉप इसको हम प्लांट करते हैं सी अक्षिता ने बोला है सी ओके okay. इसके अलावा नेक्स्ट अभी तक केक ने नहीं आंसर किया है वाई नरेंद्र सी गुड ओके वेरी गुड तो सभी का आंसर जो है वो सी ही आएगा आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन का वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है क्योंकि शुगर केन जो है वो आपकी एन एक सीजन की क्रॉप नहीं है वो आपकी पेरीनल क्रॉप है बट अगर हम सीजनल क्रॉप की बात करें तो उनमें से राइस का ज्यादा आएगा बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो शुगर केन का ही ज्यादा है तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेंटिंग इज डन इन अब स्टेंटिंग क्या है आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन आ गया जो हमने कम पढ़ा हुआ है वैसे तो स्टेंटिंग वो पीच में भी यूज किया जाता है स्टेंटिंग को रोज में भी करते हैं तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर right आएगा वो रोज आएगा स्टेंटिंग होता क्या है इसमें कटिंग ऑपरेशन को प्लस ग्राफ्टिंग को दोनों को एक साथ में ही किया जाता है तो उसके बाद क्या होगा मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि अब, जल्दी अर्ली प्रोड्यूस करने के लिए अर्ली प्रोपिगेशन prop, uh, करने के लिए जो है वो प्रोपिगेशन टाइम को रिड्यूस करने के लिए मेनली इस टेक्निक को फॉलो किया जाता है तो इसी वजह से इसमें क्या होगा कि जब हम कटिंग ऑबटेन करते हैं साथ में ही उसके ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं इससे क्या होता है कि जो ग्राफ्ट यूनियन है प्लस कटिंग कटिंग uh, की रूटिंग है वो दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली होती है तो इसी टेक्निक को हम स्टैंडिंग बोलते हैं यहाँ पे तो फ्लावर्स की बात हो रही थी बट अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैंडिंग किस फ्रूट क्रॉप में की जाती है तो उसका जो राइट right आंसर आएगा वो पीच आएगा उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट ब्रिंजल इज रिकमेंडेड फॉर वाइट बिंजल को किस चीज के लिए रिकमेंड किया जाता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वाइट ब्रंजल को ही हम एग प्लांट बोलते हैं दूसरा अब वाइट ब्रिंजल को किस चीज के लिए रिकमेंड करते हैं तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डायबिटीज डायबिटिक्स तो इसको मिले डायबिटीज के कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है प्लस इसमें वाइटामिन बी भी, भी ज्यादा होता है एस कंपेयर टू पर्पल ब्रिंजल दूसरा अगर हम बात करें कि इसमें ग्लूकोस इनोड्स इनहिबिटर्स होती हैं जो कि शुगर कन्वर्जन को कम करने में हेल्प करती है शुगर का जो कन्वर्जन होता है आपका बॉडी के अंदर उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है दूसरा इनके अंदर इस ब्रिंजल के अंदर वैड ब्रिंजल के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो कम होता है इसी वजह से इसको डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपोडियल ऑर्किड तो ऑर्किड के अंदर पूछा गया है कि फॉलोइंग सिंपोडियल कौन सा होता है तो आपको पता होगा कि ऑर्किड के अंदर दो टाइप्स में जड़ी हम बोलते हैं है, एक तो मोनोपोडियल होती है दूसरी जो है वो सिम्पोडियल होती है मोनोपोडिल में क्या होता है कि मेन स्टेम एक ही होती है मेजरली वही ग्रो करती है इसमें कोई ट्यूबर वगैरह नहीं होती हैं बट जो सिम्पोडिल ब्रांचेज होती हैं इसमें जो है वो एक मेजर स्टेम नहीं होती है मैनी स्टेम्स होती हैं बट इनके अंदर बट इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है कि जो वो स्टेम्स होती हैं उनके अंदर फूड स्टोर्ड अमाउंट में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं ट्यूबर ट्यूबर्स की फॉर्म में होता है मेनली तो उसी को ही जो है वो सिम्पोडिल ब्रांचेज बोला जाता है तो उसमें जो मेनली अगर हम टाइप की बात करें कि वो कौन सी है तो वो कैटे कैटिलिया जो है इसका राइट right आंसर आएगा वैसे तो वांडा भी साइमपोडियल कैटेगरी में आता है बट वांडा में दोनों ही है मोनोपोडियल भी है साइमपोडियल भी है तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो कैटिलिया टाइप ही आएगा तो ये ऑर्किड आपका आप, आपको पता होगा काफी इंटरेस्टिंग फ्लावर है तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन नट इन कोकोनट इज ड्यू टू द डेफिशियोनट के अंदर जो बैरन नट है वो किसकी डेफिशिएंसी के थ्रू होता है तो ये आपका बोरन डेफिशिएंसी जो है इसका राइट right आंसर है यही आएगा या कोई और आएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसका आंसर करो भी है, इसका आंसर बोरन आएगा मैग्नीशियम आएगा कैल्शियम आएगा या फिर जिंक आएगा उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की नेम द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्लेवर सेवर टोमेटोज विद इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ

इनहिबिशन ऑफ है उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज इज द नेशनल फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोइंग में से किस कंट्री का रोज जो है वो नेशनल फ्लावर है तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए इजी क्वेश्चन है फ्रांस इसका जो है वो राइट right आंसर आएगा इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेबल्स इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज अबाउट तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो इंडिया का फुल पूरा है उसके अंदर वेजिटेबल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है तो अगर आपको अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि इसका आंसर क्या करना है या क्या इसका आंसर आएगा बट अगर हम बात करें कि इसका राइट right आंसर क्या होगा इंग्लैंड ओके यस सॉरी यहां पे कंफ्यूजन हो गया था इसका जो राइट आंसर आएगा वो इंग्लैंड ही आएगा तो अब हम बात कर रहे थे वेजिटेबल्स के कॉन्ट्रीब्यूशन की अमंग द हॉर्टिकल्चर तो अगर आपको ये पता है कि हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन इंडिया में ऑन एन एवरेज कितनी हुई है इस बार के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें या फिर कितनी पिछली बार हुई थी अगर आपको वो प्रोडक्शन का डाटा याद है प्लस अगर हम बात करें आपको ये याद है कि उस टोटल हॉर्टिकल्चर की ओवरऑल प्रोडक्शन में से फ्रूट्स का कंट्रीब्यूशन कितना है या फिर फ्रूट्स की प्रोडक्शन कितनी है और वेजिटेबल की कितनी है तब आपको तब आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकती हो Uh, इसी ओके नरेंद्र मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो राइट वो इंग्लैंड ही आएगा तो अगर आपको पता होगा कि टोटल अगर हम हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन की बात करें तो वो थ्री लैख के अप्रोक्सीमेटली है थ्री लैख मिलियन टन के अराउंड है है ना उसमें से भी अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो वो आपकी वन लैख के अराउंड है बट अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो वन लाख नाइन सेवन नाइनटी सेवन थाउजेंड के अराउंड है तो अप्रॉक्सिमेटली टू लैख के अराउंड जो है वो आपका वेजिटेबल का हो रहा है और वन लैख के अराउंड जो है वो फ्रूट्स का है तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा सिक्सेंट आएगा मोर देन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन है वेजिटेबल का अमंग द ओवरऑल हॉर्टिकल्चर इन इंडिया इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड एट तो ये क्वेश्चन तो सभी को ही पता होना चाहिए तो ये मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगी वेरी गुड किरण हाँ यही आपकी वैल्यू थी तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका टोटल ये आपका हॉर्टिकल्चर का है बट रिसेंट डाटा चेक करना उसमें थोड़ा बहुत चेंज अगर हो सकता है तो तो अगर हम इस क्वेश्चन ये मैं आपको नहीं बताऊंगी इसका आंसर आप सभी ने खुद ही करना है क्योंकि बहुत इजी एंड मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये जो कि एग्जाम में आपको आया हुआ है तो सभी को पता है सभी का आंसर जो है राइट right है तो बस ये आपको सभी को पता चल गया कि आईवीआरआई uh, जो है वो आईआईवीआर जो है वो वाराणसी में लोकेटेड है इसके अलावा नेक्स्ट की बात अगर हम करें टरपेंटिंग इज अ पॉलियम रूट स्टॉक ऑफ ये जो है वो आपका मैंगो का रूट स्टॉक है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें द एंजाइम दैट प्रोड्यूस बैड स्मेलिंग एल्डिहाइड्स हाइट्स इन वेजिटेबल्स इज तो ये कौन सा एंजाइम है तो इस एंजाइम की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा पॉलिफिन ऑक्सीडेस एंड तो ऑक्सीडेज को शॉर्ट में एंजाइम भी बोलते हैं आपको पता होगा कि एंजाइम का फंक्शन क्या होता है जब हम किसी भी फ्रूट और वेजिटेबल को कट करते हैं अगर उनका सर कट पोर्शन एयर के एक्सपोजर के बाद ब्राउनिश कलर का हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है वो होता है पोलिफिन ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से तो ये आपका आपका जो था ये एंजाइम नेचुरल ब्राउनिंग को कॉज करता है फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो वेजिटेबल में से ब्रिंजल हो गया पोटेटो हो गया और फ्रूट्स में से मैंगो हो गया सॉरी एप्पल हो गया बनाना हो गया सारी जो इसकी है इसकी मेजर हैं अगर हम बात करें लीची की तो अगर आप लीची के फ्रूट को पील ऑफ करके रख देते हो तो उसका पील भी ब्राउन कलर का हो जाता है ड्यू टू दिस पीपीओ पीपीओम बट पे यहाँ पे स्मेल की बात की गई है तो स्मेल के लिए जो एजाइम आएगा वो कौन सा आएगा लाइपोक्सीडेस आएगा तो इसका जो राइट right आंसर है वो लाइप है इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सटेंशन से है टावा पायलट प्रोजेक्ट फॉर रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाज पुट इन टू प्रैक्टिस इन द ईयर किस ईयर में इसको प्रैक्टिस किया गया तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा तो इसका आंसर आप सभी ने करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कब इस प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया गया था तो इसका जो राइट right आंसर है वो नाइनटीन है उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजिनेटर ऑफ कल्टीवेटेड कोकम्बर इज कल्टीवेटर कोकंबर का प्रोजिनेटर कौन है मतलब कि जो कल्टीवेटर कोकम्बर है वो कहाँ से डेवलप हुआ है किस स्पीशी से डेवलप हुआ है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा कुकुम की जो है इसका राइट right आंसर है उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है तो ये भी आपको बताना मैंने नहीं है क्योंकि आप सभी को इसके बारे में पता है कि इसका रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है तो आंसर करो इसका आंसर क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है शू टिप ग्राफ्टिंग इज यूज टू प्रोड्यूस प्लांट्स फ्री फ्रॉम ये भी ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया किया हुआ है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा वेरी गुड नीलम इसका जो है वो नागपुर आएगा एंड अगर हम शूट टिप ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये आपका वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है इसको हम मैरिस्ट कल्चर भी बोलते हैं शूट टिप कल्चर भी बोलते हैं इसको मेनली इसका पर्पज क्या होता है कि इसको वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन के लिए हम यूज करती है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन बी ट्वेल्व वाइटामिन बी ट्वेल्व का फॉलोइंग रिच सोर्स कौन सा है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा नट जो है इसका राइट right आंसर है इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट शुड बी द ऑप्टीम टीएस फॉर प्रोसेसिंग टमैटो प्रोसेसिंग टमैटो की TSS जो है है वो कितनी होती है? तो अब अगर आपने प्रोसेसिंग को पढ़ा हुआ है प्लस आपने थोड़ा बहुत आपको एस्टीमेट है कि टोमेटो के जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी टीएसएस की जो रेंज है वो कितनी होती है तब आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकती हो तो यहाँ पे क्या आएगा लेस बिल्कुल भी नहीं है 2.5 3.5 नहीं है अगर आपने का पड़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि की जो है है वो 25 डिग्री होती है। इसके अलावा अगर हम concentrated प्यूरी की बात करें तो उसकी टी एस एस जो है वो 33 डिग्री ब्रिक्स होती है टोमेटो जूस की बात करें तो उसकी भी जो टी एस एस है वो मोर देन फाइव डिग्री ब्रिक्स होती है तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा फाइव पॉइंट फाइव और मोर जो है इसका राइट right आंसर है तो ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा बट अगर आपने टोमेटो के प्रोसेस प्रोडक्ट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है आपको एस्टीमेट है कि टीएसएस की रेंज कितनी होती तब तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे तो इस प्रकार से जो है आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेके चलना होता है उसके बाद अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन है रूट स्टॉक सुटेबल फॉर अल्ट्रा हाई डेंसिटी इन सिट्रस इज सिट्रस के अंदर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में किस रूट स्टॉक को यूज किया जाता है तो इसका आंसर क्या आएगा सभी को पता है फ्लाइंग ड्रैगन जो है वो सिट्रस का अल्ट्रा हाई डवाफिंग रूट स्टॉक है जो कि अल्ट्रा हाई डेंसिटिव प्लांटिंग में यूज किया जाता है अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है आपने ये बताना है कि सिट्रस का ही हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज किया जाने वाला रूट स्टॉक का नेम क्या है तो ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी ने करना है उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की नीलम वाई शायद पक्का क्यों नहीं पता कि यही आंसर आएगा इसका नेक्स्ट अगर हम बात करें पियर शेप्ड टोमेटो फ्रूट वेराइटी टोमेटो फ्रूट की पियर शेप की वेरायटी कौन सी है तो ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आप सभी को पता होना चाहिए पंजाब चुहारा जो है इसकी पियर शेप्ड फ्रूट वेरायटी है ब्लास्टोमैनिया इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ब्लास्टोमैनिया जो है वो फॉलोइंग में से किस फ्रूट का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है रंगपुर लाइम नो तो ये आपका सिट्रस का इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो कि मेनली स्वीट ऑरेंज के अंदर देखने को मिलता है तो ये आपका यहां पे इंपॉर्टेंट में होता क्या है कि पूरा का पूरा प्लांट की ये ऐसी हो जाती है कि जैसे वो ब्लास्ट हो चुका ब्लास्ट का मतलब ये नहीं कि पूरा ब्लैकिश हो जाएगा वो उसमें क्या होता है, कि लीफ जो है, वो उनके बन जाती है और वो सूख जाते हैं पूरे के पूरे ये क्लोरोसिस होने के बाद वो पूरे के पूरे सूख जाती है okay,

ट्रायर सिट्रेज रूट स्टॉक ऑफ सिट्रस जो है वो इसको जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज किया जाता है तो वो आपका अल्ट्रा हाई डेंसिटी वाला था या आपका जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाला है इसके अलावा अगर हम बात करें आ, ब्रिंजल ओके चिली ब्रिंजल बेल पेपर टोमैटो क्या राइट आंसर आएगा इसका तो इसका जो राइट right आंसर है वो ब्रिंजल ही आएगा क्योंकि अगर हम बात करें टोमेटो की तो टमेटो में तो 100 टू वन फिफ्टी हेक्टेयर सीड की प्रोडक्शन होती है चिली में और बेल पेपर के कॉमनली अगर हम बात करें तो इनकी थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड के जी पर हेक्टेयर होती है और ब्रिंजल की जो है वो इससे ज्यादा होती है तो इसी वजह से ब्रिंजल का जो है वो ये राइट आंसर आएगा उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉस्टुराइजेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेज इज डन एट वेम्परेचर फॉर थर्टी मिनट्स तो मिनट्स के लिए ही की जाती है तो यहाँ आएगा वो भी आप सभी को ऑलरेडी पता है कि पास्चुराइजेशन पास दूसरा होता है स्टेलाइजेशन कंप्लीट माइक्रोब्स का डिस्ट्रक्शन करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसको स्टेलाइजेशन बोलते हैं और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स के लिए जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है पास्राइजेशन होता है तो ओके राइट किरण 600 जो टू वो ब्रिंजल का होता है तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 85 फाइव टू नाइनटी डिग्री सेल्सियस आएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टोमेटो हाइब्रिड कैरिंग रेजिस्टेंस टू थ्री मेजर तो यहाँ पे थ्री मेजर की बात हो रही है मतलब कि उन्होंने हमसे इंडली पूछा है मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ टमेटो तो आप सभी को पता है ना तो अर्का अनन्या है ना ही अर्का लोक है ना ही अर्का का अभय है या फिर इसका राइट आंसर क्या आएगा अर्का रक्षक आएगा जो कि मल्टीपल या फिर ट्रिपल डिजीज वैरायटी ऑफ टमेटो है इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग फंगस कॉज इज विल्टिंग इन गुआवा तो विल्टिंग के लिए तो एक फंगस ही मेजरली रोल प्ले करती है तो वो भी गुआ में भी तो वही होगी तो गवा और बनाना के विल्ट को तो हमने पहले भी बहुत बार जो है वो रिपीट किया हुआ है डिस्कस किया हुआ है तो इजी क्वेश्चन था यह भी इसका राइट right आंसर जो है आप सभी को पता है फिजेरियम आएगा उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वेजिटेबल को एक्सटेंड किया जा सकता है मतलब कि हमसे इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रोसेसिंग या फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर किस प्रकार से आपने देखना है कि अब यहाँ पे उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि मॉडिफाइड एटमोस्फेयरिक स्टोरेज जो है वो आपका एक मेथड होता है है जो कि कॉस्टली मेथड्स में इंक्लूडेड आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर तो वहां पे जो रिकमेंडेशन है उसमें होता क्या है कि सीओ का लेवल हाई होता है और ऑक्सीजन का लेवल लो होता है इसको हम क्या बोलते हैं मॉडिफाइड एटमोस्फेयरिक स्टोरेज बोला जाता है तो ये इसका राइट आंसर आएगा मैंगो हाइब्रिड विच हैज Which have Alfonso-like characters but do not suffer from spongy tissue is. Konsa hai mango ka yeh fruit? To. ये तो हम मेनली पढ़ते हैं कि मैंगो का ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें अल्फों के जैसा कि अल्फोंसो में स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर होता है वो उसमें नहीं होता है वो स्पॉन्जी टिश्यू के रेजिस्टेंट है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आई एच और ने डिस्कवर आपका जो डेवलप किया है तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या है? अर्का पुनीत आएगा अर्का पुनीत का अभी बताना है आप सभी ने कि इसके पेरेंट्स कौन कौन है अर्का पुनीत के उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया तो अगर आपको नहीं भी याद तब भी आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो वो कैसे मध्य प्रदेश नहीं है इसका आंसर राजस्थान कभी भी नहीं हो सकता है महाराष्ट्र भी नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या आएगा केरला ही आएगा अर्क मुनीत का क्रॉस क्या आएगा सभी ने इसका आंसर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्राइप्लाइड वाटरमेलन वराइटी पूदना वॉज रिलीज इन कब ये रिलीज हुई थी जो कि वाटरमेलन की, वाटर की ट्राइप्लाइड वैरायटी है दूसरा अल्फोंसो क्रॉस बैंगनपाली वेरी गुड दूसरा ये आपकी हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि वाटरमेलन के अंदर जो ट्राइप्राइडी कंडीशन है वो सीडलेसनेस को क्रिएट करती है सीडलेसनेस का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा वाटरमेलन सीडलेस ही होगा बट उसमें जो सीड्स का अमाउंट है वो कम होगा तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आएगा नाइनटीन आएगा नाइनटीन में ये वराइटी जो थी वो रिलीज हुई थी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फॉर विटिकल्चर इन बैरी इलागेशन इज विटीकल्चर का मतलब क्या है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स तो यहाँ पे ग्रेप्स के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स का या हॉर्मोन्स का यूज करते हैं तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि बैरी के साइज को इलांगेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है फॉलोइंग में से तो जिबलिक एसिड जो है इसका राइट आंसर है उसके अलावा अगर हम बात करें लाल अंबरी एप्पल हाइब्रिड इज ए क्रॉस बिटवीन तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एप्पल के क्रॉसेस को याद करना सबसे ज्यादा ईजी है क्योंकि उनका जो पेरेंट्स है वो उसके नेम में ही छुपे हुए हैं वेराइटी के नेम में तो सिमिलर जो है वो यहां पे है कि इस लाल अम्बरी जो एप्पल का हाइब्रिड है उसके अंदर उसके पेरेंट्स कौन कौन से तो उसका जो पेरेंट है वो क्या है रेड तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइल्ड स्पीशीज ऑफ ब्रिंजल कैरीज रजिस्टेंट टू शूट एंड फ्रूट बॉरर तो इसका राइट right आंसर बताओ क्या आएगा क्वेश्चन आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इन टू डिफरेंट शेज एज टोपरी एंड पैराबोला पैराबोलो की टर्म नहीं होती तो कंफ्यूजन आपको इन तीनों में से होगी तो मेनली हम जिसको फेंसिंग पर्पज के लिए ग्रो करते हैं वो आपका हैजिस होता है एजिस को मेनली जो है वो बॉर्डर प्रेपरेशन के लिए बाउंड्री पे हम ग्रो करती है दूसरा ओके okay. ठीक है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है क्रॉस है ओके ठीक है चेक कर लिया तो इट्स तो ओके सॉरी फॉर दैट ओके

Mimosum आएगा सोलिनम इनकेन आएगा सोलिनम टोरम आएगा या सोलिनम साइसरी ब्राइफोलियम आएगा क्या आंसर आएगा इसका करण सी ए यस ए इज द राइट आंसर तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो ए ही आएगा उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर लो शुगर कंटेंट पोटैटो ट्यूबर्स आर स्टोर्ड एट तो ये पोटैटो की स्टोरेज के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि लो शुगर कंटेंट के लिए पोटैटो को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा टेन डिग्री सेल्सियस आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ मेल सेलिटी कॉमनली यूज इन हाइब्रिड डेवलपमेंट ऑफ कॉल क्रॉप्स तो आपको पता है कि कॉल क्रॉप्स के अंदर जो हाइब्रिड सीड की प्रोडक्शन है वो आपका मेनली किस टाइप ऑफ मेल से की जाती है जेनेटिक मेल स्टेलिटी एंड केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा सी एम एस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी सभी ने पढ़ा हुआ है तो यही इसका जो है वो राइट आंसर है इसके अलावा लॉन्गेस्ट म्योटिक फेस इज म्योटिक में कौन सा फॉलोइंग में से लॉन्गेस्ट म्यूटिक फेस है तो ये तो डिस्कशन करने की बात ही नहीं है आप सभी जानते हो कि इसका आंसर क्या आएगा प्रो फेस ही आएगा उसके बाद क्या है इंटरनेशनल फ्लावर ऑप्शन सेंटर इन इंडिया इज सिचुएटेड एट तो ये कहाँ पे है बेंगलोर में है ये भी आप सभी को पता है और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रूट फ्लाई एंड पाउडरी माइल ड्यू आर द मेजर प्रॉब्लम इन द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि फ्रूट फ्लाई पेस्ट एंड पाउडरी माइल्ड डिजीज फॉलोइंग में से किस फ्रूट के मेजर डिजीज और पेस्ट है तो अब यहाँ पे क्या है ग्वा फ्रूट फ्लाई गुआवा में होती है तभी तो हम बहार को बहार रेगुलेशन को मेनली फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए ही या फिर फ्रूट फ्लाई से फ्रूट को बचाने के लिए ही यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया हो गया है कि यहाँ पे गुआवा के अंदर फ्रूट फ्लाई होती है अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स के अंदर मेजर जो डिजीज है वो आपका पाउडरी माइल्ड है इसके अलावा बट फ्रूट फ्लाई का अटैक इसमें ज्यादा नहीं होता है और ना ही ज्यादा गुआवा के अंदर पाउडरी मालड्यू होता है एप्पल के अंदर बात करें तो एप्पल तो इनमें से डिफरेंट है एप्पल के अंदर तो एप्पल स्कैप मेजर है वोली एप्पल एफिड मेजर है तो इसी वजह से क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो बेर आएगा बेर में फ्रूट फ्लाई भी फ्रूट फ्लाई भी एक सीरियस डिजीज पेस्ट है और आपका पाउडरी मालड्यू भी एक सीरियस डिजीज है तो इसी प्रकार से क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बेर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल लाइट इंटेंसिटी रिक्वायरमेंट फॉर रोज कल्टिवेशन इज रोज कल्टिवेशन के लिए आइडियल लाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी होती है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो क्या है सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड फूट कैंडल जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ रूट स्टॉक हैज बीन एक्सप्लाइटेड मोर इन विच क्रॉप टेम्परेड फ्रूट्स ट्रॉपिकल फ्रूट्स सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप्स तो क्या इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आएगा कि जो आपका रूट स्टॉक्स है मेनली उसको आ,

सोडियम एक्सक्लूडर रूट स्टॉक ऑफ सिट्रस तो क्या आंसर आएगा इसका जो कि सोडियम एक्सक्लूडर रूट स्टॉक ऑफ सिट्रस है मतलब इसका पहले तो ये बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ सोडियम एक्सक्लूडर रूट स्टॉक ऑफ सिट्रस का तो ट्राइफॉलियट ऑरेंज है रंगपुर लाइम है सौर ऑरेंज है या फिर सिट्रॉन है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है कॉलीफ्लॉर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कहाँ से ओरिजिनेटेड है कॉलीफ्लॉर मेडिटेरियन रीजन है ईरान है साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका है या फिर आपका अफ्रीका है तो आपको पता होगा सारी के सारी कॉलिफ्लॉप का ओरिजिन क्या है मेडिटेरियन ऑरिजन है तो इसका तो आंसर जो है वो मेडिटेरियन ही आएगा बट अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा ट्राइफॉलिएट ऑरेंज आएगा उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पपाया वरायटी सीओ सिक्स तो यहां पे सीओ सिक्स की बात हो रही है मेनली पपाया के अंदर जो है वो सीओ थ्री वरायटी भी होती है या फिर अगर हम बात करें सीओ वन टू फाइव एंड सिक्स भी होती है आपको याद होगा कि पपाया में हमने दो ही ग्रुप्स को डिस्कस किया था गायनोडायोशिस को और डायोशिस को तो मैंने आपको बताया था कि ओनली नंबरिंग वाली सीओ थ्री वरायटी जो है वो गायनोडायोशिस के अंदर है बाकी सारी की सारी जो है वो डायोशिस ग्रुप में आएंगी तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का तो देखने की जरूरत भी नहीं है हमने एक ऑप्शन को ही चूज करना है तो ये गायनोडायोशिस वरायटी नहीं है ये कौन सी है डायोशियस है तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा गायनोडायोशिस आएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा सीजन इज अ रूट स्टॉक ऑफ अगेन इज ऑ क्वेश्चन मोस्ट रिपेटिंग क्वेश्चन पूसा सीजन जो है वो फॉलोइंग से किसका रूट स्टॉक है तो ऑप्शन क्या क्या है फर्स्ट है सिट्रस सिट्रस का नहीं है ग्रेप्स की बात करें ग्रेप्स का भी नहीं है मैंगो का भी नहीं है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा गवा uh, आएगा जो कि एक आपका आपको पता होगा कि जो पूसा सीजन रूट स्टॉक है वो एक एन्य रूट स्टॉक है तो यस पूसा नाना इज अ फेमस वराइटी पूसा नन्ना आर द फेमस आर और इज इस। इसके अलावा 19 पूसा मेजेस्टी 19 पूसा मेजेस्टी कहां से आ गया ओके okay. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोम नंबर ऑफ कॉमन राइस और आइजस्ट आईवा सभी को पता है इसका आंसर जो है वो 24 आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाना हाइब्रिड फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग हैविंग मीडियम जो कि मेनली सब्सिस्टेंट फार्मिंग में ग्रो की जाती है इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज तो सिट्रस ग्रीनिंग का जो वेक्टर है वो भी आप सभी को पता है सिट्रसायला जो है वो इसका इंपॉर्टेंट वेक्टर है तो जाहिर right है इसका राइट आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ कोर एज़ियाटिक टाइप वैरायटी ऑफ कैरेट इज तो कैरेट की जो सेल्फ कोर एज़ियाटिक टाइप वैरायटी है वो कौन सी है तो कौन सी वैरायटी अब सेल्फ कोर आपको पता है कैरेट को हमने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है यूरोपियन टाइप एंड एज़ियाटिक टाइप तो अगर हम इनकी बात करें यूरोपियन की और एज़ियाटिक की तो आपको पता है कि जो ऑरेंज कलर वाली कैरेट है वो यूरोपियन ग्रुप में आती है और जो रेड कलर वाली है वो एजैटिक ग्रुप में आती है यहाँ पे साथ में एक वर्ड और लिखा हुआ है सेल्फ कोर सेल्फ कोर का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि कैरेट के अंदर आपका जो सेंट्रल पोर्शन इसको मेनली हम एज अ वेस्टेज एक्सक्लूड एक्स, डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर एक्सक्लूड कर देते हैं तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो भी पोषण उसका कलर होता है तो क्या आंसर आएगा इसका बट अगर हम बात वृष्टि तो पूसा पूरा पूसा, पूसा, ये सारी ही जो है तो उसका पूधीरा वरायटी आएगा अमृतसरी ऑफ दो फॉलोइंग में से काला सर काला अमृतसरी जो है वो किसकी वैरायटी है तो आपका प्लम की वैरायटी है इंपॉर्टेंट जो कि लो चिलियन कार वराइटी है नॉर्दर्न प्लेन्स में ग्रो की जाती है तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्लम की वरायटी है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ सीडलेस वायी ऑफ मैंगो मैंगो की सीडलेस वायी कौन सी है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा सभी को पता है सिंधु है जो कि स्टेनोस्पर्मोकार्पी मेथड से डेवलप्ड है तो ये आपका इजी एंड अगेन बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन था

एरिड जोन है वो कितने का होता है तो अगर हम ग्रोइंग की बात करें एरिड जोन है क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स है तो इसी वजह से यहाँ पे जो ग्रोइंग पीरियड है वो शॉर्ट होता है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा नाइन्टी डेज आएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजिटिंग ऑफ ब्लैक पेपर इज ड्यू टू द डेफिशेंसी ऑफ तो ब्लैक पेपर के अंदर जो रोजेटिंग है वो किस रोजेटिंग डिसऑर्डर है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से है तो वो जो है वो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें चश्मा शाही इन श्रीनगर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ गार्डन तो ये गार्डन से क्वेश्चन पूछा गया है मुगल गार्डन आएगा फ्रेंच गार्डन आएगा जैपनीज गार्डन आएगा या फिर इंग्लिश गार्डन आएगा तो अगर आपको पता होगा कि अगर हम बात करें जैपनीज गार्डन की तो ये आपका इनफॉर्मल गार्डन का टाइप है बट अगर हम चश्मा शाही की बात करें तो ये आपका मुगल गार्डन है तो इसी वजह से फॉर्मल गार्डन की टाइप मुगल गार्डन का इसका जो है वो राइट आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ रजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप्स सॉल्ट रजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप्स तो अगर आपने ग्रेप्स के शॉर्ट रजिस्टेंट वाले रूट स्टॉक्स को याद किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में भी ग्रेप्स की वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया हुआ है आप सभी को तो आप इसको इजिली कर सकते हो क्या क्या बोले गए ऑप्शन में क्या क्या है डॉग्रिच है सिक्सटीन थर्टीन है सॉल्ट क्रिक है तो इसका राइट आंसर क्या आएगा एटीन थर्टीन आएगा जो कि इसका रूट स्टॉक नहीं होता है कोई भी इसका रूट स्टॉक ये नहीं है मेरे लिए तीन जो है उसके सॉल्ट रजिस्टेंट रूट स्टॉक है तो उसी वजह से इसका राइट आंसर जो आएगा वो

सेब है उमरान है तो अगर हम बात करें ये दोनों ही इसकी अर्ली मेचोरिंग वराइटीज़ हैं मुंडिया जो है वो मिड सीजन वाली वरायटी है और जो उमरान है ये लेट वरायटी है तो ये आपका बेर का क्वेश्चन है अब आपको एस्टीमेट हो चुका होगा अप्रॉक्सीमेटली हाफ क्वेश्चंस हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं सेम पेपर के और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि उस हाफ में से कितने क्वेश्चन बहुत ही बेसिक एंड इजी आए हुए हैं कुछ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं और कुछ जो है वो हमारी समझ से थोड़े से बाहर हैं लाइक like जैसे ब्रीडिंग के दो क्वेश्चन आए थे कि कौन सा जीन यूज होता है इस प्रकार से तो ऑन एन एवरेज पेपर जो था वो आपका इजी आता है मेनली इजी की अगर हम बात करें कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो आपके लिए इजी आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हो तो इस प्रकार से आपने प्रेपरेशन को उसी प्रकार से पढ़ना है आपका जो है वो आ, कोई भी काम यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम को क्रैक करना नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग रिकवरी ऑफ टर्मेरिक की ड्राइंग रिकवरी कितनी होती है मतलब कि अगर हम आ, आ, फ्रेश टर्मेरिक को ड्राई करते हैं तो उसमें से वो ड्राई वाला जो पाउडर की रिकवरी होगी वो कितनी होगी तो मेनली ये पूछा गया है तो कितनी होती है टू है अगर हम वन के जी टर्मेरी को ड्राई कर रहे हैं तो उसकी रिकवरी कितनी होगी अप्रॉक्सिमेटली थर्टी परसेंटी ग्राम के राउंड हम उसको बोल सकते टू थर्टी ग्राम के राउंड बोल सकती हैं है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोजाइगोस्टी एंड आर मैक्सिमम इन तो ये दोनों जो है वो प्योर लाइन में होती हैं इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस तो ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि गार्डन ऑफ स्पाइसेस इंडिया की किस स्टेट को बोलते हैं क्या आंसर आएगा इसका अ uh, कर्नाटक आएगा केरला आएगा आंध्र प्रदेश आएगा या फिर तमिलनाडु आएगा तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो क्या है केरला है केरला को जो है वो गार्डन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि केरला मेजरली कंट्रीब्यूट करता है आपका इंडिया के अंदर टोटल स्पाइसेस की प्रोडक्शन में अगर हम बात करें ब्लैक पेपर की स्मॉल कार्डिमम की क्लोव की या फिर सिनेमम की ये मेजरली जो है वो केरला के अंदर ही ग्रो की जाती है तो इसी वजह से क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा केरला आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a फॉलो cultivar of papaya? Following में से कौन सा पाया का cultivar नहीं है Again आप सभी को पता है कि अगर हम डायोसिस पाया की बात करें तो उसको mainly हमने height के basis पे classify किया गया है, किया हुआ है तो जितनी भी varieties height के name वाली हैं वो सारी किस्में आएंगी डायोसिस वाले में आएंगी तो उनको हमने exclude करना है पूरा dwarf नहीं आ सकता है सॉरी oh यहाँ पे यही पूछा गया था कि कौन सी गायनोडायोसिस नहीं है तो बस ये तीनों है क्योंकि ये वाली आपकी जो है वो डायोसिस वरायटी आएगी तो ये आपका जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैरायटी ऑफ पाया फॉलोइंग में से पाया की वरायटी कौन सी है पूसा खोर अर्का अरुण राइट आंसर क्या है रेड लेडी वरायटी है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉन मिनरल न्यूट्रियेंशियल फॉर प्लांट्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम एंड कार्बन तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा यस वेरी गुड नरेंद्र मैं आपको ये बताने ही वाली थी कि सीड में जो है वो राजस्थान नंबर वन पे है बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो उसमें केरला नंबर वन पे है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर नाइट्रोजन वाई नाइट्रोजन नॉन मिनरल पूछा है तो नॉन मिनरल कौन सा आएगा कार्बन आएगा नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं आएगा इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन तो अगेन की और कैरेट की फैमिली सेम है तो आपको पता होना चाहिए सॉरी फैमिली भी सेम है दूसरा इनका जो टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस है वो भी सेम है और इसका जो ऑरिजन है वो क्या आएगा आपका मेडिटेरियन आएगा कॉरियडर का पत्थर नाक इज अ वटी ऑफ तो नाक जो है वो

हाँ हाँ वो उसका वो वही है ए आंसर ही आएगा रेड लेडी वाले का पपाया की जो वैरायटी थी उसका रेड लेडी ही आएगा तो एपोमिक्सिस की बात कर रहे थे तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या है नॉर्मली जो सीड होता है वो आपका सेक्सुअली डेवलप्ड होता है दोनों बोथ पेरेंट्स से प्लांट के दोनों पेरेंट्स से डेवलप होगा बट अगर सीड एक ही पेरेंट से डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं एपोमिक्सिस बोलते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का ही हम उसको पार्ट बोल सकते हैं तो उसके अंदर दो टाइप की एपोमिक्सिस होती हैं फेकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट तो फैकल्टडी में क्या है कि उसका ऑपोजिट हो गया मतलब कि सीड का फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो रहा है कहां से वन पेरेंट से टू पेरेंट से होगा या वन से भी हो सकता है तो उसमें जो है वो पोलियम्ब्रायनी हमने मेजरली पढ़ी थी पोलियम्ब्रायनी का मतलब क्या होता है कि अगर एक सीड से मोर देन वन प्लांट्स इमर्ज हो रहे हैं तो उस टर्म को हम क्या बोल देते हैं पोलियम्ब्राइनी बोलते हैं प्लस साथ में मैंने आपको ये भी बताया गया बताया हुआ है कि पोलियम्ब्राइनी में टू टाइप्स ऑफ सीडलिंग्स होती हैं एक होती है जाइगोटिक दूसरी होती है न्यूसेलर तो जो जाइटिक है वो दोनों पेरेंट के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनती है बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट एंड जो न्यू न्यूसेलर सीडलिंग्स है वो वेजिटेटिव उनको हम बोल सकते हैं जो कि वन पेरेंट से ही बनती है तो यहां पे क्या है दोनों ही आ गए बट एपोमिक्सिस की डेफिनेशन क्या थी कि उसमें जो सीड्स बनेंगे वो वन पेरेंट से ही बनेंगे तो यहाँ पे फिर इसको हमने किसका पार्ट बोल दिया फैकोटेटिव एपोमिक्सिस का बोल दिया और मॉलिमरानी जो है वो सिट्रस जामुन मैंगो तीनों के अंदर मोर कॉमन है इसी वजह से क्या है आपका इस क्वेश्चन पे राइट आंसर आएगा अगर हम रिकरेंट uh, की बात करें तो रिकरेंट टाइप

तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पालम तिरलोकी है वो आपका गार्डन पी की एक, एक इम्पोर्टेंट अर्ली मेच्योरिंग वैरायटी है जो कि नॉर्मल अर्ली वैरायटी से भी टेन डेज बिफोर मेच्योर हो जाती है अगर हम बात करें आर्कला वैरायटी की जो कि गार्डन पी की इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो भी जो उससे भी जो ये टेन डेज पहले मेच्योर हो जाती है दूसरे इसकी हील्ड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वरायटी तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा गार्डन पी आएगा Right गार्डन पी से कौन सा वेजिटेबल फ्रूट नहीं है तो क्या है टमेटो भी है ब्रिंजल भी है ओकरा भी है कॉलीफ्लावर नहीं है क्योंकि कॉलीफ्लावर क्या है स्टेम वेजिटेबल है इसका एडिबल पोर्शन क्या है स्टेम है और इन है इसी वजह से इसका राइट right आंसर क्या आएगा कॉलीफ्लावर आएगा

तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसके अलावा डी आंसर मनसा वाई डी 1974 इसका राइट right आंसर आएगा इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें द सॉइल विच आर लो इन ऑर्गेनिक मैटर हाई इन क्ले कंटेंट एंड हाई इन सी सी के टाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ये कौन सी सॉइल है तो ऑप्शन क्या क्या है ब्लैक सॉइल है रेड सॉइल है एलुवील है एंड सॉइल है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा सभी को पता है ब्लैक सॉइल आएगा जिसको हम सेल्फ सेल्फंगल सॉइल भी बोलते हैं या फिर एंड सॉइल भी इसको बोला जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोलते हैं सारी ही जो है वो ब्लैक सॉइल को ही बोला जाता है इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच टाइप ऑफ प्लांट इज आइडियल इन कॉलीफ्लावर तो इसमें क्या आएगा टाइप थ्री आएगा जो कि के लिए आइडल प्लांट्स होती हैं क्रोमोजोम है सभी को पता है कि फैमिली वो फोर्टी एट है उसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करें वट काइंड जीन एक्शन डिटरमाइंस द कर्ड कलर इन कॉलीफ्लावर तो इसमें क्या आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन आएगा है फॉलोइंग इज अ पर्पल फ्लॉर्ड ट्री तो फ्लॉरिंग ट्री से क्वेश्चन आ गया कि पर्पल फ्लॉरिंग कौन सा है ये भी आप इजिली कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया है बट आपको इनके कॉमन नेम जरूर पता होने चाहिए तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इनको देखा हुआ है तो अगर हम बात करें सबसे पहले बोहिनिया की तो बोहिनिया मेनली इसको हम कचनार बोलते हैं एजिया फिस्टूला की बात करें अम्लाता येलो कलर का फ्लार होता है इसका प्रोस्पेरिटी बिजनेस को जो है ये रिप्रेजेंट करता है इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें, है की, ये जो है ऑरेंज कलर वाला जिसको भी बोलते हैं तो इसका जो राइट आंसर आएगा पर्पल वाला वो वोहिनी कचनार ही आएगा डबाफ वैरायटी ऑफ मैंगो सभी को पता है अमरापाली जो कि एच डी पी में यूज की जाती है वैक्यूम कूलिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्यूबर क्रॉप्स फ्लावर क्रॉप्स फ्रूट एंड लीफी वेजिटेबल्स तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा लीफी वेजिटेबल्स आएगा पीडीएफ uh, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर आपको ये शेयर हो जाएगी इसकी पीडीएफ आपका टू का मेमरी बेस्ड जी का एग्जाम है इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं या उस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं जिसमें फ्लावर, फ्रूट और वेजिटेबल तीनों ही प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे इसका राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन है इके बैना इके बैना तो नॉर्मली जैपनीज स्टाइल ऑफ फ्लाजमेंट को बोला जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें

मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड इज तो वर्ल्ड के अंदर कोकोनट का मेजर प्रोड्यूसर कौन है तो so, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा इंडोनेशिया आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सीड रेट ऑफ अनियन अगेन ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है सीड रेट ऑफ अनियर फॉर रेजिंग हेक्टेयर एरिया वन हेक्टेयर एरिया के लिए अनियन की जो सीडलिंग्स है वो कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है हमें, वो क्या आएगा ए टू सॉरी इसका जो राइट right आंसर आएगा वो ए टू टेन के जी पर हेक्टेयर आएगा तो ये आपने जो है वो ध्यान देना है इसका जो राइट right आंसर है वो ए टू टेन के जी पर हेक्टेयर है उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तो इस टर्म को क्या बोलते हैं तो इसका भी आपको पता है ट्रॉफी बोला जाता है इसको एके बैना तो अभी हमने पढ़ा था इसमें जैपनी स्टाइल ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें टोपीरी की तो डिफरेंट शेप्स वाला है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है इसके अलावा कारपेट बेड आपकी डिफरेंट चीज है जो कि मेनली बेड्स लो uh, आपके मेनिंग फ्लॉरिंग प्लांट्स को या लो ग्रोइंग प्लांट्स को हम बेड्स के ऊपर ग्रो करते हैं तो आपका जो है ये आंसर क्या आएगा इसका ट्रॉफी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर चिप्स इंडस्ट्री वर्ड शुड बी द ऑप्टिमम ड्राई मैटर कंटेंट फॉर पोटैटो ट्यूबर पोटैटो ट्यूबर के लिए ड्राई मैटर कंटेंट जो है वो कितना होता है आपको पता होगा कि नॉर्मल पोटैटो का और जो पोटैटो को प्रोसेसिंग में मतलब कि फ्रेंच फ्राई मेकिंग के लिए चिप्स मेकिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं दोनों में डिफरेंस जो है वो ड्राई मेट्रो कॉन्टेंट का ही होता है तो जो आपका प्रोसेस पोटैटो है जिसको प्रोसेसिंग के लिए यूज करना उसके अंदर ड्राई मेट्रोकॉन्टेंट जो है वो ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा होना चाहिए तो ये आपका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन आएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश्यू एप्पल जूस इज रिच इन फॉलिक एसिड निकोटिनिक एसिड राइबो फ्लेविन और एसकॉर्बिक एसिड तो ये आपको पता है कैश्यू एप्पल जो कि आपका कैशुनट क्या फ्रूट होता है जिसको मेनली हम बोलते हैं तो इसमें में, जो है मेन आपका एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन मैंगो इज मेडिटेड बाय डोमट जीन तो डोमिनट जीन से क्या मेडिटेड है तो इसमें पील कलर आएगा आपको इसका आंसर ये भी आपका ब्रीडिंग बेस्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये का आंसर आपने खुद करना है नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ईयर इज द डेड लाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये आपको पता होगा कि इसको क, इसका टारगेट क्या था कब तक इसको कंप्लीट करना था तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा 2019 आएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गापुर केसर इज अ वैरायटी ऑफ दुर्गापुर केसर जो है वो किसकी वैरायटी है वाटर मेलन की है पंपकिन की है मस्क मेलन की है या फिर समर स्क्वैश की है तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए कि आपका जो दुर्गापुर केसर है वो वाटरमेलन की वरायटी है दुर्गापुर मीठा की अगर बात करें तो ये मस्क मेलन की है बट दुर्गापुर केसर जो है वो वाटरमेलन की वरायटी है उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडरी माइल्डू डिजीज इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स पाउडरी माइल्डू फॉलोइंग में से किस क्रॉप की सीरियस प्रॉब्लम है किस-किस की है रूट क्रॉप्स की कॉल क्रॉप्स की कुकरबिट्स की लीफी वेजिटेबल्स की अगेन आप सभी को पता है किसकी है ये आपका कुकरबिट्स की है द सेक्स फॉर्म ऑफ कॉमनली कल्टीवेटेड ब्लैक पेपर इज तो ब्लैक पेपर फॉलोइंग में से कौन सा है मोनोएशियस है एंड्रोमोनोशियस है गायनोमोनोशियस है या फिर गायनोशियस है तो ये भी आपको पता होगा कि ये आपका जो है वो गायनोमोनोशियस है डी आंसर आपने किसका किया है किस नंबर uh, आपका वन हंड्रेड इलेवन क्वेश्चन का या फिर वन हंड्रेड ट्वेल्व क्वेश्चन का वन हंड्रेड थर्टीन नेम स्पीशी ऑफ टमेटो विच इज सॉल्ट टॉलरेंट तो ये टोमेटो की कौन सी स्पीशी है जो कि सॉल्ट टॉलरेंट है Solenum, जो है इसकी सोल टॉलरेंट आपका स्पीशी है इन टमैटो येलो कलर ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू विच पिगमेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है ओके तो आपका आंसर रॉन्ग है कुकर बिट्स आएगा इसका आंसर तो टोमेटो के अंदर पूछा गया है कि जो येलो कलर वाली पिगमेंट है वो फॉलोइंग में से कौन सी है तो लाइकोपिन आपको पता है नहीं हो सकती है येलो कलर वाली भी नहीं है दो बचती है हमारे पास कैरोटीनॉइड है 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 दूसरी कौन सी है? है. दोनों ही येलो कलर के लिए बट उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि टोमेटो का येलो कलर है तो आपको पता होना चाहिए कि टोमेटो के अंदर जो येलो कलर होता है वो मेनली येलोश ऑरेंज होता है तो इसी वजह से इसका राइट आंसर जो आएगा वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट आएगा जो कि येलोइश ऑरेंज कलर के लिए होती है अदरवाइज सिंपल येलो की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो पिगमेंट है वो ये जेंथोफिल होती है जेनेटिक मेल सेलिटी इन चिली इज मेंटेन थ्रू हेट्रोजाइगस पॉलिनेटर होमोजाइगस पॉलिनेटर म्यूटेशन या फिर पॉलीप्लाइडी तो इसका आंसर क्या आएगा अभी सभी ने इसका आंसर जो है वो करना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा ओके okay, 114 का सी आएगा कैरोटिनॉइड वेरी गुड तो 15 का आंसर करो कि क्या आंसर आएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन इजी एंड रेपीटिंग क्वेश्चन है जो कि हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है बॉटम हीट ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बडिंग कटिंग माइक्रो बडिंग एंड लेयरिंग उसका राइट आंसर क्या आएगा बडिंग आएगा कटिंग आएगा माइक्रो बडिंग आएगा या फिर लेयरिंग आएगा तो ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें जो है वो आपका आंसर कटिंग आएगा बॉटम हीट रूट टेक्निक मेनली जो है कटिंग के अंदर रूट्स को इंड्यूस करने के लिए यूज की जाती है तो आपका जो फिफ्टीन क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आपका हेट्रोजाइगस uh, पॉलिनेटर आएगा उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन इजी क्वेश्चन आ गया डिजीज ऑफ पपाया एज ए नर्सरी स्टेज नर्सरी स्टेज के अंदर पपाया में कौन सा डिजीज होता है सभी को पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा डैम्पिंग ऑफ पपाया सभी ने अब आंसर करना है कि डैम्पिंग ऑफ पपाया का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीट ऑरेंज वैरायटी डेवलप्ड बाय आईएआरआई न्यू दिल्ली इज स्वीट ऑरेंज की न्यू दिल्ली के द्वारा डेवलप्ड uh, वैरायटी कौन सी है सूर्या है कोमल है पूसा राउंड है और पूसा श्रेष्ठ है तो वेरी गुड डैम्पिंग ऑफ का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा पूसा राउंड आएगा उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी है स्पीशी हैविंग हाई स्टार्च कंटेंट इज तो कुरकुमा एंगोना लोंगा क्रक्यूमा एरोमेटिका तो इसका जो राइट आंसर आएगा तो वो कुरुमा एरोमेटिका आएगा पाए है उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इन गुआवा

आपका पाइथियम है दूसरे का राइजोक्टोनिया है तो अब आपने ये क्लासीफाई करना है कि दोनों में से किसका ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा आएगा एंड इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें मृग बहार की तो मृग बहार हमने स्टार्टिंग में याद किया हुआ है अम्बे बहार मृग बहार एंड हस्त बहार अंबे बहार की फ्लारिंग स्टार्टिंग ऑफ द ईयर फेबर मार्च मृग बहार की मिड ऑफ द ईयर जून जुलाई एंड हस्त बहार की एंड ऑफ द ईयर अक्टूबर नवंबर तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा जून जुलाई आएगा पाइथियम पाइथियम ओके यस ही आएगा इसका आपका डैम्पिंग ऑफ का बट अगर हम बात करें फुट रॉट की तो उसका राइजोक्टोन ही आएगा अक्टूबर नवंबर कैसे आ जाएगा नरेंद्र ये तो आ, आपका हस्त बहार का आएगा मृग बाहर का पूछा तो मृग बाहर का था जून जुलाई ही आएगा इसका हम फ्रूटिंग टाइम या हार्वेस्टिंग टाइम बोल सकते हैं कि नवंबर दिसंबर का आएगा बट इसका फ्लाइंग टाइम जो है वो जून जुलाई ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फिजियोलॉजिकल बेसिस फॉर रूटिंग रूटिंग ऑफ कटिंग फर्स्ट ऑप्शन इज इज लेवल रिलेटेड टू यस ये आप सभी को पता है हाई कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्टिमम नाइट्रोजन इंक्रीजेस रूट ग्रोथ ये भी होता है इसके अंदर नेक्स्ट क्या है रूटिंग को फैक्टर हैज अ हैजूल इन रूटिंग ये भी होगा ही को फैक्टर आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये आपका रॉन्ग है यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट इन एनी क्रॉप द बेस्ट मेथड इज प्योर लाइन सिलेक्शन पेडिग्री सिलेक्शन मास सिलेक्शन एंड रिकरेंट सिलेक्शन तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? है, सिलेक्शन हो पाइथियम डैम्पिंग ऑफ किरण नीलम राइजोम ओके यस तो फिर आपने क्या क्या किया भी? कि किसका क्या आएगा अब देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा सभी ने इसका आंसर किया बट यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी तभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अब क्या है अब आपका ये क्वेश्चंस पोज करोगे आपको एग्जाम में आ भी जाता है तब आपको एकदम से याद आ जाएगा कि उस टाइम पे सारी डिस्कशन हुई थी तो अब आपने फाइनली कंक्लूड करना है कि इसका राइट right आंसर क्या आएगा सो दैट कि एग्जाम टाइम में आपको कंफ्यूजन ना हो वहाँ पे आपको एकदम से अगर एग्जाम में आपको डैम्पिंग ऑफ आ रहा है या फिर फुट रॉट आ रहा है तो आपके माइंड में उस टाइम आंसर आ जाना चाहिए कि इसमें राइट right इसका कॉजल uh, ऑगनिजम कौन सा होगा क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टें क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसी वजह से आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए आ, पाइथियम जो है वो डैम्पिंग ऑफ का है ओके किरण ने भी स्पेसिफाई कर दिया फाइनली है ना ओके राइजोक्टोनिया आपका डैम्पिंग ऑफ का है तो ठीक है तो आपका जो राइजोक्टोनिया है वो डैम्पिंग ऑफ का है फुट्रॉट का पाइथियम है दोनों का ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपका ठीक है तो आपका जो है वो ये आपको कंफर्म होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये आ सकता है उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें मेल सलिटीज कॉमन इन कैरेट ओकरा बीन्स एंड पालक तो एक इसका, इसका राइट आंसर क्या आएगा तो इसमें आपको पता है इसका राइट आंसर जो है वो कैरेट ही आएगा कैरेट के अंदर ही सीड लिए इसको यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल रेंज ऑफ सॉल टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन ऑफ पंकिन रेंजिस बिटवीन पंपकिन कुकुर वेजिटेबल है तो इसका टेम्परेचर रेंज कितना आएगा जर्मिनेशन का सभी को पता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव आएगा फाइव टू टेन नहीं हो सकता है 15 टू ट्वेंटी भी नहीं आएगा थर्टी टू थर्टी फाइव बहुत ज्यादा हो गया इसलिए इसका आंसर जो है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ही आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज बाय अगेन इज़ी एंड अमंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मैंने बताया हुआ है कि लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है वो इंपॉर्टेंट आपका आ, इसका डिजीज है ब्रिंजल के अंदर तो किसको कौन कॉज करता है माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा ये कॉज होता है नेक्स्ट क्या है क्राउन चॉकिंग इन कोकोनट इज ड्यू टू द डेफिशियउन चॉकिंग जो कोकोनट के अंदर है ये किसकी डेफिशेंसी की वजह से होता है तो so, इसके क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा नाइट्रोजन पोटास बोरोन या फिर कैल्शियम तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा बोरोन क्राउन चौकिंग जो है वो बोरोन की वजह से होती है इसके अलावा नेक्स्ट है मोनो हाइब्रिड्स आर डिराइव बाय हाइब्रिडाइजिंग टू इंडिविजुअल्स विच डिफर फॉर सिंगल करेक्टर डबल करेक्टर कॉन ट्रिपल करेक्टर एंड मल्टीपल करेक्टर तो इसका जो राइट right आंसर है वो क्या है सिंगल करेक्टर जो है वो इसका राइट right आंसर है इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें रेगुलरिटी इन बियरिंग ऑफ मैंगो टू सम एक्सटेंट कैन समी इंड्यूस्ड एप्लीकेशन ऑफ तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो मैंगो के अंदर ऑल्टरनेट बियरिंग की प्रॉब्लम है डिसऑर्डर है उसको क्योर करने के लिए उसकी रेमेडी के लिए फॉलोइंग में से किस केमिकल का यूज करते हैं तो ऑप्शन में क्या क्या है पैक्लोब्यूट्राजोल है है, एंड ए बी ए है तो इसका राइट आंसर क्या है आप सभी को पता है रेगुलर बीरिंग के लिए पैक्लाब्यूट्राजोल को एट द रेट ऑफ टेन ग्राम पर ट्री एक्टिव इनग्रीडियंट को यूज करते हैं सॉल के एप्लीकेशन के लिए तो पैक्लाब्यूट्राजोल जो है इसका राइट आंसर आएगा उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वीट पोटेटो रिक्वायर्स फोटो पीरियड ऑफ हाउ मैनी जो राइट right आंसर है वो क्या है सेवन आवर्स है थर्टीन आवर्स है, है या फिर इलेवन आवर्स है तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा तो अब आपको पता है कि जो स्वीट पोटैटो है वो एक शॉर्ट डे प्लांट है नारियल दिवस कब मनाया जाता मना है कोकोनट डे बताओ कब मनाते हैं सेप्टेंबर में होता है आपका आई थी कोकोनट डे टू सेप्टेम्बर को Uh, तो यहाँ पे बी तो बी कैसे आ जाएगा इसका आंसर स्वीट पोटैटो इज अ शॉर्ट डे प्लांट सभी को पता है इसके बारे में वेजिटेबल्स के अंदर स्वीट पोटैटो एंड बीन्स जो है मेनली uh, वो आपकी शॉर्ट डे प्लांट्स ही हैं तो इसी वजह से अगर शॉर्ट डे की बात हो रही है तो इसका राइट right आंसर जो है वो इलेवन आवर्स आएगा थर्टीन आवर्स नहीं आएगा इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है डर वराइटी टॉलरेंट टू वाइट फ्लाई एंड आपका इजी क्वेश्चन है बट तीन सिट्रस की अंदर स्पीशीज ऐसी हैं जो की मोनोम्ब्रैनिक है तो वो कौन कौन सी है एक तो आपका यही है पुमेलो दूसरा अगर हम बात करें अः दूसरा आपका एक तो मेलो है दूसरी थर्ड आपका सिट्रोन है थर्ड सेकंड अगर हम बात करें तो एसिड लाइम की कौन सी वैरायटी है तेहाती लाइम जो कि मोनो एवं है तो ये आपको तीनों पता होने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ मोलिडेनम इन कॉलिफ्लावर लीड टू जो आप सभी को पता है विप टेल इन कॉलीफ्लावर इंपॉर्टेंट डिजीज है इसका डिसऑर्डर है सॉरी तो ये आपको पता होना चाहिए वेरी गुड ब्रॉन्जिंग इन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अगेन इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जिंक डेफिशिएंसी का राइट right आंसर आएगा उसके बाद है व्हाट इज द ऑप्टिमम फॉर ग्रोथ एंड हेडिंग ऑफ कैबेज कैबेज की ग्रोथ के लिए और उसकी हेड फॉर्मेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज कितनी है तो इसका राइट right आंसर क्या आएगा 5 टू 10 डिग्री सेल्सियस है 15 टू 20 डिग्री है 10 टू 15 है या फिर uh, 25 टू 30 है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा सी ऑप्शन आएगा 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें कोकोनट वाटर फॉर्म अ टेंडर कोकोनट इन इमेच्योर एम्ब्रियो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इनर मोस्ट लेयर ऑफ सीड लेट डी जनरेटेड क्या आएगा इम एम्ब्रियो आएगा कोकोनट वाटर जो है वो इमेच्योर एम्ब्रियो से बनता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनला वैरायटी कृष्णा इज अ सीडलिंग सिलेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कृष्णा जो है वो किसकी सिलेक्शन है तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कृष्णा जो है वो बनारसी और बनारसी की सिलेक्शन कौन कौन सी हैं कृष्णा एंड बलराम दोनों जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अड वेजिटेबल क्रॉप सभी को पता है इसका आंसर अनियन टमाटो कैरेट नहीं है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है लेटस है जो कि एक लीफी वेजिटेबल है उसके लीफ को हम एज अ सैलड के लिए कंज्यूम करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ गोल्डन राइस इज ड्यू टू ये तो सभी को भी पता होना चाहिए इसका राइट right आंसर क्या आएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक वराइटी टोल टू स्पॉट इज इस। इसका आंसर क्या है पूसा ज्योति अर्क हरित पंत कंपोजिट वन एंड जोबनर ग्रीन तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो पंत कंपोजिट वन वराइटी आएगा जो कि सर्कोस पूरा लीफ स्पॉट के रेजिस्टेंट है राइस uh, वाले का जो है आंसर क्या आएगा कैरोटीन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई बिलो अ लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ टर्मेरिक टर्मेरिक की लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी कौन सी है uh, इसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन सुरजना वैरायटी जो है इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है टर्मेरिक की

तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो क्या आएगा हाइब्रिड टी क्रॉस पोलियंथा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम नेम ऑफ कस्तूरी कस्तूरी इज का क्या है तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रिक्यूमा एरोमेटिका जो है इसका साइंटिफिक नेम है उसके बाद है पूसा अभिनव इज अ वी ऑफ एसिड लाइम गुआवा मैंगो एंड स्वीट ऑरेंज तो ये किसकी वरायटी है पूसा अभिनव नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द होम विच इज व्यूबल फ्रॉम द स्ट्रीट इज नोन एज अप्रोच और फ्रंट और पब्लिक तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा उसका वन फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन आएगा एसिड लाइन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर कैन प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन विच स्टेट तो शुगर के प्रोडक्शन किस स्टेट में मैक्सिमम होती है सभी को पता है इसका आंसर है ना तमिलनाडु आएगा उत्तर प्रदेश आएगा एंड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तो अगर हम बात करें तमिल शुगर के प्रोडक्शन की तो तमिलनाडु में आ, आपका जो है वो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है और महाराष्ट्र में शुगर के शुगर की प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम होती है उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर शेयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज़ यू नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम विच हाइब्रिडाइजेशन मेथड इज कॉमनली यूज्ड तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा वो इंटर हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद महाराष्ट्र में शुगर की प्रोडक्शन ज्यादा होती है बट शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो आपका यूपी uh, में सबसे ज्यादा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेडरस अनियन इसका राइट right आंसर जो है वो अनियन आएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइप्लाइड कसावा वायटीज श्री हर्षा नेक्स्ट क्वेश्चन हाई प्रेशर ड्रिप सिस्टम एट प्रेशर ऑफ लेस देन थर्टी पर का जो है वो यूनिट आएगा पीएसआई का मतलब वेयर डज द वॉटर वेपर एग्जिट द प्लांट स्टोमेटा विच टाइप ऑफ कार्नेशन इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन तो इसका कौन सा आएगा मार्ग पाइकोटी पर एंड मेरीमेज इसका आंसर करो क्या आंसर आएगा इसका कौन सी टाइप काशन ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा पर पेटूल आएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुआवा बेस फ्रूट मोस्टली फ्रॉम अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन करंट सीजन ग्रोथ रोज हिप सोर्स ऑफ वाइटामिन सी मोदी एप्पल लिबर्टी क्रॉस गाला फ्रॉम कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है ये इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज फॉर इंप्रूविंग रूटिंग रूटिंग हॉर्मोन की बात हो रही है तो आई बी एस राइट आंसर आएगा इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच डिजीज मोस्टली अकर इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन बनाना ड्रिप इरीगेशन का प्रीवियस क्वेश्चन तो उसका लेस देन थर्टी वाला ही आंसर आएगा लेस लेस देन देन पे पूछा हाई प्रेशर प्रेशर ऑफ आएगा या मोर देन थर्टी आएगा लेस देन थर्टी है उसका राइट आंसर मोर देन थर्टी नहीं आएगा विच डिजीज मोस्टली एचडीपी तो इसका जो राइट right आंसर है वो फिंगर टिप डिजीज आएगा उसके बाद है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम द पार्टिकल डायामी ऑफ सिल्ट वेरीज फ्रॉम आपको पता है जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू जीरो पॉइंट टू फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हाउ मेनी जीन्स हैव बीन रिपोर्टेड इन पाउडरी ओके हाई प्रेशर था वहां पर तो मोर देन थर्टी ही आएगा ठीक है ठीक है वो हाई प्रेशर था मैं मेरे माइंड में लो प्रेशर वाला चल रहा था तो वहां पे हाई वाले का थर्टी मोर देन थर्टी आएगा यहां पे पूछा गया है हाउ मेनी जीन्स आएगा सिंगल रिसेसिव टू रिसेसिव वन डोमिनेंट टू रिसेसिव एंड वन डोमिनेंट इसका जो राइट right आंसर आएगा वो लास्ट ऑप्शन आएगा डी uh, ऑप्शन तो right आएगा, आएगा, आएगा तो ये आपको पता चल चुका है कि किस प्रकार से जे का एग्जाम आता है Uh, किस लेवल के क्वेश्चंस है बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी हैं और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं तो इस प्रकार से आपने प्रेपरेशन को इसी अकॉर्डिंग करना है एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करना है तो चलिए आज के लिए इतना ही uh, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू टू ऑल